हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी मेकअप किट दिखाने लगी हूँ जो मैं यूज करती हूँ, और उसमें क्या क्या है और आपको वो बाय करनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी शो होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसको लाजमी प्रेस करें। तो चलिए अब मैं आपको अपनी मेकअप किट दिखाती हूँ। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपने बेड पर, तो मैंने कहा आराम से बैठकर आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो ये है मेकअप किट जो कि नोसिप ब्रांड की है। इस तरह से राउंड इसका पैलेट है और ड्रीम पैलेट इसका नाम है। तो इसको मैं ओपन करती हूँ। इस तरह का ये बॉक्स है, लंबा सा गोल शेप का। ओके, तो अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें ये ब्लैक कलर की किट है, ये भी राउंड शेप में ही है। इसको मुझे ऐसे करके निकालना पड़ेगा। नीचे से इसकी ये वो डिस्क्रिप्शन बताई हुई है क्या क्या है इसमें। ये ना समझ नहीं आना कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्रांस की जो होती है ना लैंग्वेज, उसमें लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी होती है वो। इस बॉक्स को पीछे करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये इसका मिरर है, ये मैं हूँ, नज़र ही नहीं आ रहा मेरा मुँह। ठीक है, आ गया। अच्छा जी, तो ये इस मेकअप किट की ना एक चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें आई शेड्स बहुत ज़्यादा, न्यूड भी और शिमरी भी और ग्लॉसी से भी, मतलब हर टाइप के इसमें आई शेड्स बहुत ज़्यादा। एक तो ये आपको नजर आ रही है, और फिर ये इस तरह से ओपन होती है, और यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने इसकी निकाली हुई हैं। यहाँ पर लिप पेंसिल और आई पेंसिल और मस्कारा वगैरह पड़े हुए थे, वो मैंने निकाले, और ये ब्रश मैं ये वाले नहीं यूज़ करती, लाइट ऑन करती। अच्छा, मैं ना थोड़े थोड़े इनके आपको स्वेचेस भी दिखाती हूँ, और इसमें ना बहुत ही खूबसूरत पिंक के, पीच के और ब्लू के और ग्रीन के इतने खूबसूरत शेड्स है ना। यहाँ वीडियो में तो इतना क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन रियल में जो लगता है ना बहुत खूबसूरत है। और नीचे से भी आपको अब दिखाती हूँ, और यहाँ तक के इसमें ब्लैक के इतने प्यारे स्मोकी शेड्स है ना, शिमरी भी हैं, मैट भी हैं, ग्लॉसी शेड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इसमें आई शेड्स की तो ये मेरी परफेक्ट किट है, और साथ ही इसमें न्यूड शेड्स जो हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं। और इसके अलावा ये जो ऊपर आपको इसके ब्रशेस नज़र आ रहे हैं, ये मैं यूज़ नहीं करती, और इसके इसमें था एक मस्कारा था, लिप पेंसिल और आई पेंसिल वगैरह थे, तो वो मैंने पहले ही निकाल लिए हैं। ये आई शेड्स के लिए तो बहुत अच्छी है, और साथ इसमें नीचे ये जो दिए हुए हैं ये पाउडर्स हैं, ब्लश पाउडर है और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, उनके डिफरेंट शेड्स दिए हुए हैं, पिंक है, पीच है, न्यूड, और साथ ही वो जो छोटे वाले नज़र आ रहे हैं ना राउंड, वो है करेक्टर पाउडर्स। इनसे आप करेक्ट कर सकते हैं अगर वो किसी का अगर गड़बड़ हो रहा, कोई निशान वगैरह हो फेस पर। और इसके अलावा अब मैं आपको इसका नीचे वाला पोर्शन भी दिखाती हूँ। तो नीचे वाले पोर्शन में आ जाती हैं इसकी लिपस्टिक वगैरह। तो इसकी सिर्फ एक चीज़ मुझे ये अच्छी नहीं लगती, इसमें लिपस्टिक जो है मतलब अच्छी तो है, लेकिन इसकी लिपस्टिक इतनी पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब कि ज़्यादा लगाओ तो जाके नज़र आती है। और इसके अलावा कलर्स ये बहुत प्यारे हैं लिपस्टिक के, और ये सब की सब ग्लॉसी लिपस्टिक्स हैं, लेकिन इनका लिपस्टिक का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है जिससे आप इसको ना डार्क कर सकते हैं। ये वाली लिपस्टिक लगाएं ऊपर, कोई सा भी उसका मैच का आई शेड लगा लें, इतनी ज़बरदस्त लिपस्टिक लगेगी ना। और इसकी आई पेंसिल का जो पीच कलर है ना इतना खूबसूरत है कि मैं कहती हूँ ऐसा पीच कलर होता ही नहीं है, और बहुत खूबसूरत है वो। वो अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ पर रख दिया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। और ये इसका मिरर है, एंड ओवरऑल ये पैलेट जो है बहुत अच्छा है, और इसकी लिपस्टिक्स भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी हैं डेली यूज़ के लिए, लेकिन अगर पार्टी या किसी वेडिंग में जाना हो तो ज़रा लाइट होगी, बट उस हैक के थ्रू डार्क भी हो सकती है। सो गाइस, मेकअप पैलेट तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाय बाय।